बच्चों एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 हमें कैसे दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 19 हमें कुछ इस तरह से दिया गया है। अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैल्यू दिया हुआ है हमें फ्लक्स का -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज। इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वेयर डबल, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। तो बच्चों बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, हमें बोला गया है कि समझो हमारे पास ये एक स्पीयर है, ठीक है। तो इस स्पीयर का हम जो रेडियस है वो कंसीडर करते हैं आर, कितना बच्चों इसका रेडियस हम कंसीडर करते हैं आर। अच्छा अब क्वेश्चन चेंज करके ऐसा पूछा गया है कि अगर हम इस रेडियस को डबल कर दे, इस रेडियस को डबल कर दे, तो क्या रेडियस को डबल करने से उसके साथ जो एसोसिएटेड फ्लक्स है वो चेंज होगा? तो बहुत सिंपल सा आंसर है आपका, आप सब लोग जानते हैं बच्चों कि जो फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला Q/ε₀ या Q total/ε₀ होता है। अब फ्लक्स जो है डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशंस, तो ये तो डायमेंशन पर डिपेंड ही नहीं करता है। फ्लक्स डिपेंड करता है ऑन चार्ज, एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, अच्छा। अब यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें ये तो नहीं बोला गया है कि भैया जो चार्ज वैल्यू है वो चेंज हो रही है, दैट मींस फ्लक्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। फ्लक्स कैसा रहेगा बच्चों? कॉन्स्टेंट रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। चले क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। तो बच्चों हम सब लोग जानते हैं फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, दैट मींस क्यू हो जाएगा फाई इंटू एप्सिलॉन जीरो। ओके फाई दिया गया है -1 × 10³ और एप्सिलॉन जीरो आपको पता ही है 8.85 × 10⁻¹². सो आवर आंसर शुड बी क्यू इक्वल टू -8.85 × 10⁻³ - 12, मतलब कि चार्ज वैल्यू हो जाएगा -8.85 × 10⁻¹⁹, मतलब के -8.85 nC। आवर आंसर शुड बी -8.85 nC।